नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आज आपको पोहे की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि हमसे कमेंट में सोनू यादव जी ने मांगा है। आइए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। 3 कटोरी मैंने पोहे लिए हैं, जो सामान्य कटोरी होती है थोड़ी बड़ी साइज की है, आप वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। 4 आलू लिए हैं मैंने, जिसको उबाल के छिलका हटा के बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिए है। अगर आलू बड़ी साइज के हैं तो आप कम कर सकते हैं। 4 छोटी साइज के प्याज लिए मैंने, जिसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। 2 हरी मिर्च लिए हैं, जो एक तो मैंने बारीक कटिंग की है, एक को थोड़ा बड़ी साइज में कटिंग की है। मूंगफली के दाने लिए हैं, कच्चे मूंगफली के दाने हैं ये। जीरा लिए है और कुछ राई लिए है। नमक, हल्दी और आधा चम्मच चीनी ली है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप ना डालें, लेकिन चीनी डालते हैं तो पोहे अच्छे बनते हैं। आलू भुजिया का पैकेट लिया है मैंने, अगर आपके पास आलू भुजिया का पैकेट नहीं है तो आप कोई भी नमकीन ले सकते हैं। हरा धनिया और एक नींबू। तेल लेंगे, तेल आप जो भी खाते हैं वो ले सकते हैं। सबसे पहले हम पोहे को इस तरह पतीले में लेके और इनमें पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि हमारे पोहे एकदम इतने डूब जाए, और तुरंत हमें उसके बाद में इसका पानी निकाल देना है, भिगो के नहीं रखना। इस तरह पानी निकाल देंगे, इस तरह अच्छे से पानी निकाल देना है ताकि हमारे पोहे अच्छे खुले खुले बने, और रख देंगे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। 1 और थोड़ा सा ऊपर डालेंगे। जीरा और राई डालेंगे। गैस को कम कर दिया है मैंने, और जो हमारी मूंगफली के दाने वो डाल देंगे। अच्छे से चलाएंगे। कुछ मेरे पास मीठे नीम के पत्ते वो डाल दूँगी, अगर आपके पास में है तो आप डाल सकते हैं, इससे पोहे और ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। उसके बाद में प्याज भी डाल देंगे। चला देंगे अच्छे से। हरी मिर्ची डाल देंगे और गैस को मीडियम कर देंगे ताकि अच्छे से प्याज और हरी मिर्ची भून जाए। अच्छे से भून लिए हैं, खुशबू भी आने लग गई है। उसके बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, मैं आधा चम्मच से थोड़ा सा कम में डाल रही हूँ। मिला देंगे, चौथाई चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में चीनी डाल देंगे, मिला देंगे। उसके बाद में आलू डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे। अच्छे से मिला दिया मैंने, और जो चमचा था वो मैंने छोड़ दिया, जरिया ले लिया है ताकि पोहे अच्छे से मिक्स हो। उसके बाद में हम जो हमारे पोहे हैं वो डाल देंगे, मिला देंगे अच्छे से। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। उसके बाद में गैस बंद कर दिए है। नींबू का रस डाल देंगे गैस बंद करने के बाद में, थोड़ा मिक्स कर देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। अच्छे से मिला देंगे।
इस तरह हमारे पोहे तैयार हो गए हैं। ऊपर से हम आलू भुजिया डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो वो भुजिया आप ला के डाल सकते हैं। इस तरह से ऊपर से डाल देंगे और इस तरह हमारे पोहे तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मैंने पोहे तैयार कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। और हमारे तो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पोहे बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। धन्यवाद।